8-9 बजे तक सोती है और फिर उसके बाद में दोपहर में भी लेट सोती है, तो उसके अभी मजे के दिन है। सब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ड्रेस कैसी लग रही है मान्य के ऊपर। नेल कटर ढूंढ लाई है लड़की, बड़ी बदमाश है बड़ी। मेरा बेटा, मेरे पगलू, चुप पगलू है बिल्कुल। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइज, अभी अभी मैंने पिछले ब्लॉग का एंड किया है तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट ब्लॉग का जो स्टार्ट है वो भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे याद भी नहीं रहता है कब स्टार्ट करूँ कब नहीं। आज का वेदर ऐसा ही है कि बारिश कभी भी हो सकती है, चारों तरफ बादल ही बादल है देख सकते हो आप। और हम कई दिनों से सोच रहे हैं कि हम पठान मूवी देखें, सॉरी पठान नहीं, जवान, एक ही जैसे नाम है ना इसीलिए। तो हम कई दिनों से सोच रहे हैं कि जवान मूवी देखने जाएं, लेकिन जाना हो ही नहीं पा रहा है किसी न किसी वजह से। ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो चीज़ उस वक्त नहीं होती है, लेकिन कभी अगर होती है तो अचानक से होती है। तो आई डोंट नो हम लोग जा पाएंगे जवान देखने या नहीं जा पाएंगे, कई दिनों सोच रहे हैं, बट देखते हैं जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। अभी किसी की कॉल आ रही है, मैं उससे पहले कॉल रिसीव करती हूँ जाके। अभी तक सो रही है, इसकी सुबह अभी तक नहीं हुई है, ये 8-9 बजे तक सोती है और फिर उसके बाद में दोपहर में भी लेट सोती है। तो इसका टाइम टेबल शेड्यूल ऐसा हो गया है कि मज़े से 8-9 बजे तक सोती है और मैं भी इसे उठाती नहीं, क्योंकि इसके अभी मज़े के दिन है, फिर स्कूल जाने लगेगी तो फिर ये मज़े नहीं कर पाएगी। यही वाले पतिदेव के लिए बना रही हूँ अभी ओट्स क्वेकर वाले, क्योंकि आज पतिदेव जिम करके आए हैं कम से कम 1-2 हफ्ते बाद, तो इनका ऐसा ही है, कभी तो रूटीन एकदम से फॉलो करेंगे और कभी एकदम से छोड़ देंगे और सारी उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगेंगे। तो आज जिम करके आए हैं तो बस आज के लिए परहेज करेंगे, और कल अगर जिम नहीं गए तो फिर कल एकदम ही उल्टा सीधा खाना खाएंगे। तो अभी ओट्स बना देती हूँ, उन्हें दे देती हूँ, और मैंने आज राजमा भिगोए हैं तो राजमा की सब्जी बना रही हूँ और साथ में राइस बनाऊँगी। खाना वाना बना दिया है, इसमें राइस बना दिए हैं और इसमें राजमा की जो सब्जी है वो बना दी है, और जो राजमा की रेसिपी है वो भी मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, तो वो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो पे जाके देख सकते हो। एंड इसमें राइस बना दी, तो राजमा राइस दोनों चीज़ हो गई है हस्बैंड जी की फरमाइश भी, क्योंकि उनको राजमा आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ पिछले वीडियोज़ में भी बताया होगा, तो इसीलिए। और क्या कहते हैं, आज भी हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जवान मूवी देखने जाए, लेकिन थिएटर में शायद बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए हो सकता है कि आज भी ना जा पाएँ, फूटी हमारी किस्मत। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने जो वीडियोज़ वगैरह है उस पर वॉइस ओवर करने के लिए, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं तो उस पर वॉइस ओवर करने के लिए। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि जब मैंने बताया था कि मैं कैसे अपनी वीडियोज़ पे वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ, तो ये कमेंट आया था कि आप तो वॉइस ओवर करते हो लेकिन जो वीडियो की बैकग्राउंड नॉइज़ है या बैकग्राउंड जो वॉइस है उसे कैसे रिमूव करते हो। तो वहीं पे क्या कहते हैं, जो वीडियोस होती हैं उस पर क्लिक करके आप जो उस पर क्लिक करके जो वीडियोस होती है ना, वीडियोस की क्लिप, उस पर क्लिक करके साउंड वाले ऑप्शन को बिल्कुल ज़ीरो पे कर दो, तो जो वीडियो की साउंड होगा ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, और धीरे धीरे जब आप कोई ऐप यूज़ करते हो तो धीरे धीरे यूज़ करते 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 अलग अलग चीज़ें सीखते सीखते आप सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही सारी चीज़ें सीख जाओगे, तो सीखते सीखते सीखोगे। कोई भी चीज़ है उसको यूज़ करना शुरू करो, जब तक आप कहते नहीं कि जब तक हम सब उसमें सब पानी में कूदेंगे नहीं तब तक स्विमिंग सीखेंगे कैसे। तो वही चीज़ है कि आप पहले शुरू करो, उसके बाद आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे। मीशो से पार्सल आ गया है, देखते हैं इसमें क्या है, ओपन करके। और ये देखो, ये कैसे आ रही है, क्या खाती जाती है पागल बहंगी, इसी का पार्सल होगा जब ये इतनी खुश हो रही है। मेरे पीछे पीछे आ गए, पता है कहीं भी घूमने जाती ना तो स्लीपर दे देती है अपनी की मम्मा, स्लीपर बना के ले ले तो। किसी कर रही, किसी ऐसे करती है भाग जाएगी। बहुत तेज नींद आ रही थी यार, पार्सल वाला आ गया तो फिर उठना पड़ा, ओपन तो कर दिया मैंने इसको, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऐसा सब कुछ है इसमें, पार्सल को ओपन कर, ये इसका टॉप और ये है बॉटम। तो गाइस ये है मान्य के आउटफिट जो अभी भी मंगाया मैंने, कल आप पहना के दिखाई देख ली ले रही हूँ साइज वाइज कैसे हैं। और ये एक लड़की एक जगह नहीं रुकती, बड़ा मुश्किल है इसके साथ वीडियो बनाना। सब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ड्रेस कैसी लग रही है मान्य के ऊपर, मीशो से मंगाई है और बहुत ज्यादा उदम कर रही है, रुक ही नहीं रही है एक जगह, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या ही हाथ लग गया इसके। एकदम मस्त कपड़े आए हैं, एकदम नंबर वन, और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे हैं। टॉप और बॉटम की क्वालिटी भी अच्छी है, और मेन चीज़ क्या मुझे अच्छी लगी कि जो इसकी लास्टिक है ना वो बहुत सॉफ्ट है और कंफर्टेबल भी रहेगी। ज़्यादातर पैंट्स की जो लास्टिक होती है वो एकदम टाइट होती है तो कंफर्टेबल नहीं रहती है, लेकिन इसकी कंफर्टेबल है, और मैंने पहना के भी देख लिया तो बहुत अच्छे हैं। लिंक मैं दे दूँगी उसमें
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं। अभी मान्या का ना एक और सेट आएगा, फिर उसे देखेंगे कि वो कैसा है। मान्या कहाँ जा रहा है तू? है तेज है क्या? मान्या दूध लेके आ गई, और फिर से इसको चप्पल पहननी है, फिर से बाहर जाना स्लीपर पहन के। बार बार स्लीपर लेके आ रही और दे रही आगे कि मम्मा स्लीपर पहनाओ और चलो बाहर चलो। ये देखो ऐसे रख देती है लाके, और फिर कहेगी कि हाँ स्लीपर पहनाओ। अपने आप से पहनने की कोशिश करती है लेकिन पहन ही नहीं पाती बेचारी, क्या करे। अरी हाँ कोशिश तो करती है वो बहुत। ये देख लो चोचिच चोचिच। मान्या का, अरे बाप रे, मान्या का चश्मा का आ गया, चश्मा का आ गया। छुपन छुपाई हो रही पापा और बेटी, कैसे छुपे हुए देख लेना, सब तो दिख रहा है। कहाँ छुपे हुए दिख रहा है? मान्या पापा कहाँ है? पापा पापा कहाँ? मान्या पापा वो ढोलक बजा ले पहले अपना। नो बेटा कपड़े नीचे करो बच्चा, इसका इंटरेस्ट नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैंने खाना वाना बनाया है मान्या के लिए, ना थोड़ी सी पूड़ी बनाई है, क्योंकि ना नमक की पूड़ी बनाई, थोड़ा सा नमक डाल के। वो कुछ खाती नहीं है तो मैंने सोचा कि थोड़ी पूड़ी बना लेते हैं, शायद वो खाए। और जब मैंने पूड़ी बना ली तो फिर मैंने सोचा कि आलू की सब्जी भी थोड़ी सी बना ले रही, क्योंकि खाली पूड़ी कैसे खाएगी, इसीलिए सब्जी भी बना ली। तो अभी मैं मान्या को वही देने जा रही हूँ। नहा लिया था, आज मुझे वीडियो भी बनाना है, मीशो से कुछ कपड़े मंगाए थे तो उसका हॉल बनाना है, मीशो हॉल। और पहले से खाना खिला दूँ, उसको नहला धुला के तैयार कर दूँ, उसके बाद में मैं अपने काम में लगूँगी। मैंने तो नहा लिया है और फिर मुझे रेडी वगैरह भी होना है हॉल बनाने के लिए, तो बहुत सारे काम हैं आज, तो वो जल्दी जल्दी करने हैं। तो ये सब्जी बनाई है मैंने, और इसमें मिर्च वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि अमान्या फिर खा नहीं पाती है इसीलिए। अमान्या की प्लेट में देखो, मैंने थोड़े से आलू की सब्जी और थोड़ी सी पूड़ी ले ली है, और वैसे इतनी सारी खाएगी नहीं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ, जब बचती है तो मैं खा लेती हूँ। अमान्या को जैसे ही नहलाया वो तो ऐसे ही सो गई, बिना कपड़े वपड़े पहने टॉवल में लपेटा, तो थोड़ा सा दूध पी के तुरंत सो गई, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी इसीलिए जो है ये आज जल्दी सो गई, मतलब 11:30 बज रहे होंगे तो अभी सो गई। वैसे तो ये कम से कम 1 या 2 बजे सोती है दोपहर के, और फिर रात को भी लेट सोती है, तो सही आ गई। अभी सुबह जल्दी सो गई तो रात को भी जल्दी ही सो जाएगी, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये रात को लेट सोती है तो फिर हमारा सुबह का जो रूटीन है वो बहुत लेट शुरू होता है। और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए अपने मीशो हॉल की वीडियो बनाने के लिए। ये वाला येलो सूट पहनने वाली हूँ, एंड ये रहा मेरा मेकअप का बॉक्स, और इसमें थोड़ी इयरिंग्स भी सिलेक्ट करूँगी और मेकअप वेकअप करूँगी हल्का सा, फिर जल्दी से ब्लॉग वो मीशो हॉल बनाते हैं, और फिर जो जो करूँगी मैं बीच में अभी वो सब आपको दिखाऊंगी क्या कुछ कर रही हूँ। अभी ना मैंने ये रेड वाला आउटफिट पहना है, और मैं बारी बारी से ना जितने भी आउटफिट हैं सब पे रील्स बना रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि जो इंस्टाग्राम रील्स हैं वो मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस पे बनाऊँ, और मैंने कुछ बनाई भी हैं और मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना ओरिजिनल वॉइस पे, तो क्योंकि ओरिजिनल वॉइस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं सोचा कि किसी और की वॉइस पे क्या ही बनाना, मतलब बनाऊँगी उस पे भी लेकिन ओरिजिनल वॉइस पे भी बनाऊँगी। और अमान्या को भी अभी रेडी किया है, ये मीशो से मंगाए थे कपड़े, तो इसका जो है अभी मैंने दिखाया है, इसका वीडियो शॉर्ट वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब मैंने अभी कल तो दिखाया ही था यार, कल के ब्लॉग में क्या, इसी ब्लॉग में अभी पीछे दिखाया था, ये अमान्या कपड़े मैंने बना दिए, इसका गेट रेडी विद मी भी शूट कर लिया, और क्या कहते हैं वो आपको शॉर्ट वीडियो पे देखने को मिलेगा। ये अमान्या मुझे कुछ ना कुछ निकाल के तो देती ही रहती है। देखो नेल कटर ढूंढ लाई, ये लड़की बड़ी बदमाश है बड़ी। और अभी मैं ओरिजिनल वॉइस पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी ना, तो कहीं क्या होता है ना ज़्यादातर कि कहीं सब्जी वाला आता है, और कहीं कुछ बेचने वाला आता है, कहीं कुछ तो ऐसे बीच बीच में आवाज़ आती रहती है, तो वो ओरिजिनल वॉइस जो है बेकार हो जाती है, और कहीं बीच बीच में अमान्या बोलती रहती है, तो थोड़ा गैप ले लेती हूँ मैं यार, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और अभी भी ना जो मेरा मैंने अभी एक आउटफिट पहना उसको चेंज किया, अब मैंने ये दूसरा आउटफिट पहना है, तो ऐसे ही अभी मुझे बारी बारी से सारे आउटफिट पहन के जितने भी आउटफिट हैं सब पे रील्स वगैरह बना लूँगी, क्योंकि बार बार क्या ही करना, मतलब इकट्ठे बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब मैं पहनूंगी कब क्या करूँगी, तो इसीलिए इकट्ठी बना लूँगी जितना हो सके। ड्रॉअर में से निकाल के सामान ला रही है। हाँ बेटा मेरे पगलू, तू पगलू है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पगलू है पगलू। पापा आ गए, पापा चल गेट खोलने चलते हैं। हाँ बहुत परेशान किया इसने। डांट आज मैंने मान्या को, इसमें क्या इसने मेरा कान खींच दिया था बहुत बुरी तरीके से।
कई दिनों से ना कहीं बाहर नहीं गए थे, तो ग्रोसरी का सामान भी लेना था। मैंने हस्बैंड जी से बोला कि चलो बाहर घूमने चल रहे हैं, और ग्रोसरी का सामान तो वहाँ पे रास्ते में जाके थोड़ा सा ऐसे आइडिया आया कि चलो ले लेते हैं। वैसे हम लोग सोच के नहीं गए थे, बस ऐसे ही गए थे। और यहाँ पे काफ़ी सारा सामान दिखता है ना, ऐसा मन करता है सब कुछ ले लो, इतनी सारी टॉफियाँ, ब्रेड और हर तरीके का, कुछ इंस्टेंट रेसिपी भी मिलती हैं तो यहीं से आके लेते हैं। चीज़ वगैरह है, पिज़्ज़ा सॉस, ये सब चीज़ यहीं से आके लेते हैं। मैनपुरी में ये काफ़ी बड़ी शॉप है, और ये मान्य ना इस पे बैठने के लिए पहले एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन जब बैठी तो ये हिल रहा था, तो फिर डर रही थी इस पे बैठने से। और मुझे मान्य के लिए फीडिंग चेयर भी लेनी थी, बहुत टाइम से सोच रही थी लेने की, लेकिन आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि लेकर ही आऊँगी। और यहाँ पे ना फीडिंग चेयर आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने कौन से कलर की ली होगी। एंड आज की वीडियो में इतना ही, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, बाय, लव यू ऑल।